आपकी आवाज अब आ रही है मैं। थैंक यू। चलें ठीक है, चलें ठीक। तो आज हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उसका, शॉपिफाई का। बेसिकली शॉपिफाई एक कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम CMS है, जिसमें हम वेबसाइट्स लाइक दराज, अली एक्सप्रेस, ये मैंने आपके सामने एक ओपन किया हुआ है अली एक्सप्रेस की वेबसाइट। तो इस तरह की वेबसाइट्स हम क्रिएट करते हैं शॉपिफाई पे। शॉपिफाई में मतलब स्टोर क्रिएशन होते हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड इस पे हम वेबसाइट्स बनाते हैं, फिर उस पे मतलब लोग बिजनेस करते हैं और हम उनको अपने क्लाइंट्स को वेबसाइट्स वगैरह बना के देते हैं। तो बेसिकली ये इस टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, लाइक सबसे पहले मतलब है जैसे ये अली एक्सप्रेस की कैटेगरीज आपको शो में करवा रहा हूँ, जैसे ये इसमें सेलिंग की वेबसाइट्स होती हैं ना, जो शॉपिंग से रिलेटेड होती हैं, जैसे इंटरनेशनली अली बाबा है और ये अली एक्सप्रेस और अमेजोन टाइप की जो वेबसाइट्स हैं। ये दराज है, दराज में भी सेम वही है, ये भी शॉपिफाई टाइप के एक स्टोर क्रिएशन है। ये स्टोर बना होता है जिसमें लोग खरीदते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, मतलब है अपने प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो इसमें ये आपको नज़र आ रहा है कि सबसे ऊपर है हेडर। हेडर में हम अपनी चीज़ें डिफाइन करते हैं कि हम हमारी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। जैसे ये आपको फ्रंट पे सारा इसका हेडर नज़र आ रहा है, ये इसका लोगो है, ये इसका सर्च बार है, ये इसका कार्ट है, और मज़ीद इसके हेडर में जितनी भी चीज़ें डिफाइन हम कर सकते हैं तो वो हमें करनी चाहिए, जो मतलब एक वेबसाइट के लिए होती है, मस्ट होती है। जो इसके अलावा नीचे जो कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज भी मस्ट होती हैं। इसमें आपको क्लाइंट चॉइस देता है कि मैं वेबसाइट बनवाऊंगा तो मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए जिसपे मैं इतनी प्रोडक्ट्स डलवाऊंगा, इतनी मेरी चीज़ें होंगी, वो प्रोडक्ट्स आपको क्लाइंट मतलब देगा, तो आपने उसकी प्रोडक्ट्स फिर ऐड करनी है। ये जैसे अब मैं इधर से एक पेज ओपन करता हूँ, ये मेंस फैशन है, टी शर्ट्स है, तो ये मैंने ओपन किया। ये जस्ट आपको एग्जाम्पल दे इसलिए दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि शॉपिफाई बेसिकली है क्या। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इधर जूम पे भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने ओपन किया है, इसका एक पेज ओपन किया है इसका टी शर्ट्स का ना, तो टी शर्ट्स का एक मतलब इन्होंने एक अलग पेज बनाया हुआ है। इस पेज के अंदर उन्होंने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, ये आप देख रहे हैं, इसमें प्रोडक्ट्स कम्प्लीटली ऐड है, उनकी उनकी प्राइस मेंशन है और सारा कुछ मतलब है, वो डिटेल्स अवेलेबल है कि कितनी सोल्ड हो चुकी हैं, कितनी अवेलेबल हैं और इनकी रेटिंग क्या है, मतलब सब मतलब कंप्लीट इसमें अवेलेबल है चीज़ें, मतलब डिटेल्स अवेलेबल है। तो और इसी तरह मतलब है इन्होंने मतलब है कैटेगरीज मतलब है मेन कैटेगरीज बनाई, उनके आगे सब कैटेगरीज बनाई, उनके अंदर प्रोडक्ट्स डाली और उनको भी मतलब है, जैसे ये मैंने अभी ब्लैक मैं एक और पेज ओपन करता हूँ, इसमें मेंस फैशन में मैं टॉप सेंटीज का ओपन कर देता हूँ। अब इसमें अभी मज़ीद अगर मैं कोई पे इसमें ओपन करूँगा, प्रोडक्ट ओपन करूँगा, जैसे मैं ये शर्ट ओपन कर रहा हूँ, तो ये मैंने इनका एक प्रोडक्ट ओपन किया है, तो एक मज़ीद पेज ओपन हुआ है। इस पेज के अंदर इस शर्ट की सारी डिटेल्स अवेलेबल होंगी, इसके अंदर कौन कौन सा कलर अवेलेबल है, इनके साइज़ अवेलेबल कौन कौन से इनके साइज़ हैं, मतलब इनके इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इनकी डिटेल्स होंगी वो यहाँ पे होंगी। यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, बाय नाउ का ऑप्शन अवेलेबल है, ये यहाँ पे मतलब है पेमेंट गेटवे आएगा, मतलब यहाँ से हम जब ऐड टू कार्ट करेंगे आगे पेमेंट का मेथड आएगा, तो वो पेमेंट के एक तरीका कार आएगा। मज़ीद ये इन्होंने नीचे साइज़ डिफाइन किया हुआ है कि हमारे पास कौन कौन से साइज़ अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, उनकी क्लोज पिक्चर्स हैं, और मतलब है ये साइट पे लिंक्स हैं, सोशल लिंक्स हैं, तो ये भी हम अपने ऐप पे स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि शॉपिफाई बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है, मतलब एक प्लेटफॉर्म है, फ्रेमवर्क है, जहाँ पे हम स्टोर क्रिएट्स कर सकते हैं। स्टोर क्रिएट किया और अपने अगर हम खुद काम करना चाहते हैं तो ये भी बेस्ट है। आप अगर खुद आपके पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है और आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो आप अगर कहते हैं कि आप सेल करें शॉपिफाई के थ्रू, मतलब है वेबसाइट बना के, तो ये बेस्ट वे है कि आप शॉपिफाई पे आएँ और वेबसाइट क्रिएट करें। विद इन 1 or 2 hours आप एक अच्छी वेबसाइट कंप्लीट फुल फंक्शनल क्रिएट कर सकते हैं। जब आप थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हो जाएगा, तो आपको ये चीज़ बहुत आसान लगेगी और आप अली एक्सप्रेस की तरह वेबसाइट विद इन 2 or 3 hours बना सकते हैं। सेम इसी तरह सेम यही डिज़ाइन आप विद इन 2 or 3 hours, मैं आपको मज़ीद आके बताता जाऊँगा कोर्स में, तो
आपको मजीद मतलब एलेबोरेट करूँगा तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा समझ आएगा और आप इस तरह की वेबसाइट विद इन 2 और 3 आवर्स बना सकेंगे। इसमें कोडिंग बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है। थीम कस्टमाइजेशन में सम टाइम लिटिल बिट कोडिंग होती है, वो CSS HTML से रिलेटेड होती है, तो वो आपको मैं सिखाऊंगा, तो आप वो भी मतलब उसमें कैरी ऑन कर सकते हैं, उसके थ्रू आप थीम को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। वैसे शॉपिफाई पे तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले अभी हम चलते हैं शॉपिफाई पे। आपको मैंने मतलब है बेसिकली समझा दिया कि शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, स्टोर्स को क्रिएट करते हैं। अब जो लोग फाइबर पे काम कर रहे हैं मतलब है शॉपिफाई में, वो डिफरेंट टाइप्स की फैसिलिटीज दे रहे हैं, ऑफर्स दे रहे हैं। लाइक वो सम मतलब ऐसा कुछ लोग वहाँ पे पोस्टिंग कर रहे होते हैं कि मुझे चाहिए ड्रॉप शिपिंग का स्टोर चाहिए, तो वो आप उसको ड्रॉप शिपिंग का स्टोर यहाँ से बना के दोगे। अगर कोई कोई आपको कहता है कि मुझे थीम कस्टमाइज़ करवाना है, तो आपको वो भी मैं आपको मतलब कम्प्लीटली सिखाऊंगा कि कैसे आप थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बग फिक्सिंग का होता है कि उसमें कोई एरर्स हैं, उसमें कोई मतलब आपने कोई चीज़ रिमूव करनी है, तो आप क्लाइंट के लिए वो काम भी कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप मतलब है एक शॉपिफाई के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं, आप इसके थ्रू ऑनलाइन वेबसाइट्स बना के अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं। आप खुद अगर शॉपिफाई पे काम करेंगे तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेस्ट होगा और आपका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा गेन होगा आपको। तो अभी हम चलते हैं शॉपिफाई पे के, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि शॉपिफाई, सबसे पहले हम शॉपिफाई पे कैसे स्टोर बनाएंगे। सबसे पहले हमने शॉपिफाई ओपन किया, यहाँ पे आप लोगों ने सबने अपनी अपनी ईमेल ऐड करनी है। ये ईमेल वो ऐड करनी है, मैं आपको कल भी बताया था, ईमेल पहले इसमें आपने सेकेंडरी ईमेल अप्लाई करनी है। सेकेंडरी ईमेल मतलब जो आप इतना यूज़ नहीं करते, आपके पास ऑप्शनल ईमेल है, आप उसको यूज़ नहीं करते। आप बेशक नहीं, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नई ईमेल बनाएं और वो यहाँ पे आपने ऐड करनी है और अपना फ्री ट्रायल स्टार्ट करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने लॉग इन किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ जस्ट ईमेल ऐड करेंगे और ट्रायल ओपन करेंगे तो वो फॉर्म आ जाएगा, वो आपने वहाँ पे अपना नेम और ईमेल ऐड करनी है तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। स्टोर जहाँ से क्रिएट करते हैं वो उनका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है, तो मैं आपको मज़ीद इधर बता देता हूँ। सेकेंडरी ईमेल बताने का मकसद ये है कि अगर आप यहाँ पे प्राइमरी ईमेल लगा देंगे आपकी अपनी बेसिक ईमेल, तो आप जब अपनी बेसिक ईमेल लगाएंगे तो उसके बाद आप उस ईमेल को फिर ईमेल को दोबारा यूज़ नहीं कर सकेंगे। लाइक अगर आप इसके बाद पार्टनर प्रोग्राम पे जाएंगे तो उसमें आप अपनी दूसरी ईमेल यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो जब आप एक दफ़ा आप ईमेल यूज़ हो जाती है, उसके बाद आप शॉपिफाई की मतलब प्लेटफॉर्म पे वो ईमेल यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो ये हम लॉग इन करेंगे तो ये हमारा फ्री ट्रायल होगा। सबसे पहले जब हम क्रिएट करेंगे स्टोर, तो पहले ये ट्रायल दे रहे थे 14 डेज़ का, तो अब कोरोना की वजह से इन्होंने ट्रायल को एक्सटेंड कर दिया और इसको 90 डेज़ कर दिया है। तो 90 डेज़ के अंदर अंदर आप जी जी If we have to apply for this trial, then do you have to give any master card or any payment address no no for signing in or something? no no you don't need to give any personal any bank details or you don't need to purchase any plan. You just log in, you just sign up and this dashboard will be open after your sign up. ओके 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 ये जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके पास इस तरह का एक डैशबोर्ड आएगा। ये आपके पास डैशबोर्ड आ गया। आप यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि आपने अपनी ईमेल्स को कैसे, अपनी स्टोर्स को कैसे बनाना है। वो आपने ईमेल ऐड की और आपके पास इस तरह का एक डैशबोर्ड आएगा। अब आपके पास ये आप डैशबोर्ड जब आएगा तो इसके सबसे ऊपर है होम का ऑप्शन। होम पे ये आपका बेसिक डैशबोर्ड आया हुआ है कि आप यहाँ पे अगर कुछ प्लान खरीदना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट मैं ये जो ट्रायल है मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊँगा मतलब है विद इन 2 और 3 डेज़, उसमें आपको आपको ट्रायल लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप उसमें अपनी बेसिक ईमेल लगाएंगे जो आपकी प्राइमरी ईमेल है, तो उसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा स्टोर्स बना सकेंगे और उसमें आपको मतलब है कोई प्लान परचेज नहीं करना पड़ेगा, ना उसमें कोई लिमिट होगी। मतलब कि आपको ये लिमिट नहीं होगी कि आप
90 डेज के अंदर अंदर आप ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद आपका वो प्लान खत्म हो जाएगा, उस तरह की कोई लिमिट नहीं होगी। आप कम्प्लीटली उस जो पार्टनर प्रोग्राम में आपके आप शॉपिफाई के मतलब कस्टमर बन जाओगे, तो आप मतलब परमानेंट रेगुलर उनके वहाँ पे स्टोर क्रिएट करोगे क्लाइंट्स के लिए और रेगुलर काम करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से इसलिए मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। तो अब बेसिक इसलिए करवा रहा हूँ कि आप जब बेसिक यहाँ से सीखेंगे तो उसके बाद आपको 2 से 3 दिन बाद मैं आपको पार्टनर प्रोग्राम पर ले जाऊँगा, तो वहाँ पे आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा, आपकी मतलब है प्रॉपर साइन अप हो जाएगा और उसके बाद आप अपना काम मजीद मतलब है आगे स्टार्ट कर सकेंगे। और बाद में हमको क्या ये प्रीमियम प्लान खरीदना पड़ेगा? नहीं, आपको प्रीमियम प्लान कोई नहीं खरीदना पड़ेगा। मैं आपको जब प्रीमियम उसमें पार्टनर प्रोग्राम में लेके जाऊंगा ना, पार्टनर प्रोग्राम बेसिकली इन्होंने शॉपिफाई ने अपने कस्टमर्स के लिए बनाया हुआ है कि आप जब वहां पे लॉगिन करेंगे ना तो आप वहां के वहां पे परमानेंट हो जाएंगे, फिर आपको कोई प्लान खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बेसिकली खुद काम कर रहे हैं, अगर आपने कोई स्टोर क्रिएट किया है अपने लिए वहां पे जाके, तो आप उस पे खुद काम कर रहे हैं तो फिर आपको ये रहेगा वो शॉपिफाई आपको 50 प्रोडक्ट्स फ्री अवेलेबल करेगा कि आप 50 प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। 50 प्रोडक्ट सेल करने के बाद फिर आपको कोई ना कोई प्लान परचेज करना पड़ेगा, लेकिन आप वहाँ पे जितने मर्जी स्टोर क्रिएट करो, अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए काम करना चाहते हैं तो फिर आपको इस तरह का कोई प्लान खरीदने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट मतलब अपने क्लाइंट को वो बना के दोगे स्टोर, तो अगर उसको पसंद आता है तो वो वहाँ उस पर वर्किंग करेगा, तो जितनी ज़्यादा मतलब वर्किंग करेगा उसका अगर काम चल जाता है, सपोज करो आपने एक स्टोर क्रिएट किया, आपने स्टोर मतलब एक अच्छा स्टोर क्रिएट किया और क्रिएट करके आपने अपने कस्टमर को दिया, क्लाइंट को, तो उस क्लाइंट को आपका स्टोर पसंद आ गया, उसने आपसे प्रोडक्ट्स भी ऐड करवाई, वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, आपने उसको प्रोडक्ट्स ऐड करके दी, आपने फुल फंक्शनल उसको एक स्टोर बना के दे दिया। अब वो जब इस स्टोर को कैरी करेगा चलाएगा, अब उसके 50 प्रोडक्ट्स बिल्कुल फ्री होंगे, वो स्टोर के थ्रू 50 प्रोडक्ट्स बिल्कुल फ्री सेल आउट करेगा, तो उसके बाद उसको कोई ना कोई प्लान परचेज करना पड़ेगा। तो जाहिर बात है जब उसका काम चल जाएगा, जब उसकी मतलब अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके प्रोडक्ट सेल्स होना शुरू हो जाएंगी, तो वो फिर बाय करेगा, कोई ना कोई प्लान परचेज करेगा, तो $29 का करेगा, मे बी $700 का करे, मे बी $2000 का, ये 3 प्लान होते हैं, तो मे बी वो 2000 वाला प्लान खरीद ले और हो सकता है उसका काम ज़्यादा चल जाए। तो उसमें फिर आपको क्या फ़ायदा होगा कि अगर उसने 2000 वाला प्लान खरीदा है तो आपको उसका 20% पर मंथ मिलेगा, मतलब उसने 2000 वाला प्लान परचेज किया है तो उसका 20% ऑलमोस्ट $400 बनता है, तो वो $400 अब पर मंथ आपको भी मिलेंगे, आपके भी अकाउंट में आएंगे। तो ये शॉपिफाई हमारे लिए सबसे बड़ा बेस्ट बेनिफिट यही होता है कि आप एक अट्रैक्टिव और क्रिएटिव सा स्टोर बनाएं और अपने क्लाइंट्स के लिए उसको दें, अगर क्लाइंट वहाँ पे काम करता है। इसका मतलब हम एक जीमेल से ही इतने सारे ऑनलाइन स्टोर्स ओपन कर सकते हैं, राइट? जी, एक जीमेल से ही होगा। जी जी बिल्कुल, आपको क्लाइंट अपना वो देख, जब आप क्लाइंट के आपने एक स्टोर बनाया, आपने क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है, अब वहाँ पे आप स्टोर बना रहे हो, आपको जब आपने अपने कस्टमर को देना है ना, तो वो फिर वो आपको अपनी जीमेल देगा, आप अपनी जीमेल से शिफ्ट कर दोगे उसकी जीमेल पे, वो फिर स्टोर उसके पास चला जाएगा जब आप उसको देंगे। वो फिर आगे मैं मजीद आपको तरीका सारा समझाता जाऊंगा इंशाल्लाह, विद इन द पैसेज ऑफ टाइम में आपको मैं सारा मतलब है कंप्लीट इसको फुल फंक्शनल स्टोर बनाने तक आपको मैं ये प्रॉपर सिखाऊंगा, आपको बिल्कुल इजी लगेगा, आपको कोई इसमें इशू वो नहीं आएगा। अब बेसिकली यहाँ तक आपने सपोज करो आपने यहाँ तक लॉग इन कर लिया है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, 8 पार्टिसिपेंट्स हैं, आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करें और पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन एक है मेरा, तो फिर ट्रायल वर्जन जब तक चलेगा तब तक तो हम काम कर सकते हैं, ट्रायल वर्जन के बाद हम काम कर सकते हैं क्या? नहीं, ये जो अभी मैंने लॉग इन करवाया ना, आपने जो आपने आपने आपकी असाइनमेंट यही है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपने क्लास के बाद या कल, आपको वैसे भी संडे ऑफ है, तो आपने शॉपिफाई पे जाके एक मतलब है क्रिएट स्टोर क्रिएट करना है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो आपने वो एक स्टोर क्रिएट करना है, उसमें प्रोडक्ट्स आपको मैं बताता हूँ कैसे ऐड करनी है, आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। ये बेसिकली ये बेसिक प्लान है, हम 1 से 2 दिन बाद शिफ्ट हो जाएंगे पार्टनर प्रोग्राम पे, तो वहाँ पे आपको आपका कोई वो लिमिट नहीं होगी, आपका कोई ट्रायल नहीं होगा, वहाँ पे आप मतलब परमानेंट होंगे, आपको कोई प्लान परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे आपको। तो 2-3 दिन के बाद हम रियल, हमारा जो रियल जीमेल है उससे हम लॉग इन कर सकते हैं 2-3 दिन के बाद।
बिल्कुल वो अलग चीज है, यहाँ से लॉग इन नहीं करना, जैसे अभी मैंने लॉग इन किया ना, यहाँ से आपने नहीं करना वो। आपको मैं आगे बताऊंगा कि आपने कैसे लॉग इन करना है और कैसे वो स्टोर क्रिएट करना है, वहाँ पे चीजें कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, मैं आपको सारा समझाऊंगा। ओके ओके ओके, यहाँ तक अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछ ले। ओके ठीक, यहाँ तक समझ आ गई, थैंक यू। चले ठीक है, और अभी हम आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। यहाँ से भी ये हमारा होम है, यहाँ से भी हम ऑर्डर्स पे जाते हैं। ये ऑर्डर्स पे तब हम मतलब है, ये कस्टमर के लिए ऑप्शन बना हुआ है कि वो अपने उसको कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो कितने ऑर्डर्स को मैनेज कर रहा है, ये ऑप्शन उसके लिए होता है कि जो इस पे ऑनलाइन काम कर रहा होता है बेसिकली। तो वो उसको यहाँ से मतलब पता चल रहा होता है कि मेरे कितने ऑर्डर्स आ गए हैं, कितने ऑर्डर्स पेंडिंग पे हैं, कितने ड्राफ्ट में पड़े हैं, ये वाला ऑप्शन उनके लिए होता है। उसके बाद प्रोडक्ट्स का होता है एक ऑप्शन, यहाँ से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो अपने स्टोर में। जैसे ये मैंने क्रिएट किया हुआ था, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स डाली हुई थी, तो इसमें आपने न्यू प्रोडक्ट अगर ऐड करनी है, यहाँ से ऐड प्रोडक्ट करेंगे। सबसे पहले आप प्रोडक्ट को टाइटल देंगे, जैसे मैं पेशावरी चप्पल ऐड करता हूँ, तो यहाँ से पहले हम उसको पेशावरी चप्पल उसका टाइटल दिया, यहाँ पे उसकी कोई डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। सपोज करो हम उसकी डिस्क्रिप्शन को भी लिख देते हैं, इट्स द बेस्ट हैंडमेड पेशावरी चप्पल लाइक दिस। मतलब आपने डिटेल्स उसके प्रोडक्ट की कोई भी डिटेल्स देनी है। अगर आप कस्टमर के लिए क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो वो ऑफकोर्स आपको सारे आपको सारा कंटेंट देगा, आपको वो सारी डिटेल्स बताएगा। तो आपको इसके लिए वो अगर आप अपने लिए काम करेंगे तो आपको भी डिटेल्स पता होगी कि मैंने क्या क्या यहाँ पे ऐड करना है। अगर कस्टमर के लिए करनी है तो वो भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए ये ऊपर सारे ऑप्शंस बने हुए हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग बोल्ड वगैरह अंडरलाइन इटैलिक, मतलब है जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डालेंगे, इसके बाद यहाँ से आप उसकी पिक्चर्स ऐड करेंगे। प्रोडक्ट की कोई पिक्चर ऐड कर दी, लाइक मैं यहाँ से कोई ऐड कर देता हूँ, ये मैंने एक, आप मोर देन वन भी कर सकते हैं, मतलब आप ज़्यादा प्रोडक्ट की पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से पिक्चर ऐड हुई, इसके बाद यहाँ से हम प्राइस, यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस बताएंगे कि ये हमने कितने की सेल आउट करनी है। लाइक मैं यहाँ से ऐड करता हूँ 1599, तो ये आगे है कंपेयर एड प्राइस। ये कंपेयर एड प्राइस वो प्राइस आपने यहाँ पे मेंशन करनी है कि लाइक आप समझते हैं कि मार्केट में ये सेल हो रही है 2000 की, आप कर रहे हैं 1600 की, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं 2000 के साथ, कि 2000 के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि इसकी मार्केट में प्राइस इतनी है लेकिन मैं इतने की दे रहा हूँ। ये आपकी जब वो डिटेल्स आएंगे प्रोडक्ट्स की तो उसके नीचे ये मेंशन होगी प्राइस। नीचे है कॉस्ट पर आइटम, ये जो ऑप्शन होता है ये आपके अपने एंड तक होता है, ये कस्टमर को नज़र नहीं आता। इसका मतलब इसमें ये होता है कि आपको ये कॉस्ट मतलब कितने की पड़ रही है। अगर आपको इसमें प्राइस पड़ रही है लाइक मैं कर देता हूँ 1200, तो इट्स मीन कि आप इसका आपका मार्जिन 2500 है, 25% है सॉरी। तो ये चीज़ जस्ट शॉपिफाई के अपने एंड तक होती है, आप और शॉपिफाई के बीच में होती है, मतलब आपका कस्टमर का इससे कोई लिंक नहीं होता तो और आपका आप तक होती है। ये ऑप्शन चार्ज टैक्स ऑन इस मार्जिन से क्या, इस मार्जिन का क्या मतलब है, माने व्हाट डज दिस मार्जिन मीन। इस मार्जिन का मतलब है कि आपका इतना प्रॉफिट आपको इसमें आप गेन कर रहे हैं, मतलब आपको ये चीज 1200 की पड़ रही है और आप सेल कर रहे हैं 1600 की, तो आपका प्रॉफिट बन रहा है 399, मतलब 400 रुपए आपका प्रॉफिट बन रहा है और मार्जिन बन रहा है 25%, मतलब कि आप 25% इस पे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो ये आपके अपने होती है, ये मतलब है इसमें क्लाइंट का कोई इशू नहीं होता, आप ना ये क्लाइंट को नजर आता है, तो ये आपकी मर्जी है जितना मर्जी ऐड करें, कोई जरूरी नहीं है, ये आपका अब तक होता है। इसके अलावा SKU है, ये स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है। जैसे किसी भी आप अमेजोन पे चले जाएं या फिर अली एक्सप्रेस पे चले जाएं, जैसे ये मैं इधर ओपन किया हुआ था, तो इन्होंने नीचे इसका SKU मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। SKU क्या होता है, मतलब उसको एक डिफाइन कर देते हैं कि हम ताकि पता चल जाए ना कि ये वाली प्रोडक्ट स्टोर के अंदर किस जगह पे पड़ी है। ये उसके लिए इन्होंने मतलब है एक ऑप्शन रखा होता है कि कीपिंग यूनिट होती है जो इन्होंने मेंशन की होती है। लाइक एक मिनट,
उन्होंने मेंशन आई थिंक सो नहीं किया हुआ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। ये सपोज करो आपने पिशावरी चप्पल सेल करनी है, अब आपको पास से आपके स्टोर में हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि जब आपको कोई कस्टमर ऑर्डर करता है, आपका अपना स्टोर है तो आपको कोई कस्टमर ऑर्डर करता है, आपको ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि ये उस प्रोडक्ट का ऑर्डर है, आपको ये उसके लिए कीपिंग यूनिट होती है। जैसे मैंने ऊपर पिशावरी चप्पल ऐड की है तो मैं उसका कर देता हूँ पी फॉर पिशावरी चप्पल, सी फॉर चप्पल पिशावरी चप्पल, आगे उसका कलर था ब्राउन तो आप बी आर कर देते हैं ब्राउन, तो ये उसका एक एस के यूनिट बन जाए। अब जब आपको कोई कस्टमर प्रोडक्ट वो होगा, आपको कोई ऑर्डर आएगा और उसका ऊपर एस के यूनिट मेंशन होगा, तो आपको ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगी कि आपको किस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। जैसे आप बड़े स्टोर्स में चले जाते हैं, मतलब है आप कैश एंड कैरी पे चले जाते हैं, तो आप जब वो आते हैं वो किसी भी स्टोर में जाते हैं तो वो जहाँ वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं तो आपकी कोई चीज़ परचेज करते हैं जो आप बताते हैं, तो वो एस के यू कीपिंग यूनिट से उनको पता होता है कि ये चीज़ कहाँ पे पड़ी है, इस यूनिट की चीज़ प्राइस मतलब है क्या होती है, इसकी प्राइस क्या है और ये किस जगह पे स्टोर के अंदर अवेलेबल होती है, तो वो उसके एस के यू से मतलब है वो उसको क्लेरिफाई करते हैं और जाके उठा के लाते हैं। जैसे ये बारकोड है, बारकोड भी आप ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बारकोड ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप बारकोड परचेज कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, फ्री भी कर सकते हैं, ये इतना बड़ा इशू नहीं होता। आप बारकोड में आपको ये बता देता हूँ कि आप बारकोड को कैसे करते हैं। सो बेसिकली वो होते वो ट्रैकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, राइट बिल्कुल, ये चेकिंग के लिए होता है। बार कोड की जरूरत भी नहीं होती, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन ऐड कर सकते हैं, तो बेसिकली एस के यू इसी चीज़ के लिए होता है कि आपको पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट है कहाँ पे और ये अवेलेबल कहाँ पे है, तो उस चीज को पहचानने के लिए ट्रैक करने के लिए बिल्कुल ऑफकोर्स ऐसे ही होता है। नीचे आ गया क्वांटिटी पे आ गया, अगर ये आप ऑप्शन ये करेंगे कि कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, ये ऑप्शन तब आपने क्लिक करना है कि आपकी कोई प्रोडक्ट सेल आउट हो चुकी है तो आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं आपके स्टोर से, तो आप इसको फिर इसको क्लिक नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे स्टोर पे शो होती रहे तो और क्वांटिटी आपके पास ख़त्म हो गई है लेकिन प्रोडक्ट शो होती रहे ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने मजीद ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसके बाद मैं फिर उसको मैनेज करके उसको डिलीवर करूँ, हाँ उसको तब आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर को पता चल जाए कि ये चीज़ सेल आउट हो चुकी है तो फिर आप इसको क्लिक नहीं करेंगे, आप ट्रैक क्वांटिटी भी करेंगे तो वो क्वांटिटी खुद ही ट्रैक कर लेगा। यहाँ से आप क्वांटिटी ऐड करते हैं कि मेरे पास 100 अवेलेबल है तो 100 के बाद वो प्रोडक्ट वहाँ से आउट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, कस्टमर से शो नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि शो हो तो फिर आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। समझ आ गई यहाँ तक? हाँ। ये इसको जरा दोबारा बताइएगा कि अगर आपकी वो सेल आउट होगी सारी जो भी आपके पास क्वांटिटी थी तो फिर हमने कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक करना है या ट्रैक क्वांटिटी पे करना है, ये आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर्स को हमें मजीद ऑर्डर मिलते रहें, अगर आप चाहते हैं कि मजीद ऑर्डर मिलते हैं, आपके पास चीज खत्म हो गई है लेकिन आप चाहते हैं कि ऑर्डर मिलते रहें, हम 5-6 दिन तक मैनेज करके हमारे पास ऑर्डर आए होंगे तो हम उनको डिलीवर कर देंगे, अगर आप ये चाहते हैं कि कस्टमर को पता चलता रहे तो फिर तो ये चीज़ जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर को पता ही ना चले कि जब प्रोडक्ट ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म हो जाए, मतलब शो ना हो, तो फिर आप ट्रैक क्वांटिटी भी कर देंगे तो वो ख़त्म उसकी मतलब पिक्चर्स वगैरह उसका वो शो नहीं होगा, वो क्वांटिटी जब ये एंड होती जाएगी वो आपका आपकी स्टोर से हट जाएगी। अच्छा ठीक ठीक, मतलब कंटिन्यू सेलिंग तब करेंगे अगर आपके पास आप मैनेज कर सकते हैं तो स्टॉक में नहीं है चीज आपके तो कंटिन्यू सेलिंग में ही। हाँ बिल्कुल, आप अगर आप चाहते हैं तो हो सकता है इस तरह, वो फिर चलती रहेगी। इसके अलावा ये अगर आपकी शिपिंग ऐसी है कि वो फिज़िकल प्रोडक्ट है तो उसके लिए बिल्कुल फिज़िकली ऑनलाइन में बेसिकली सारी फिज़िकली होती हैं, तो आप कोई सॉफ्टवेयर अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, समटाइम कई कस्टमर्स होते हैं वो ऐसी वेबसाइट्स स्टोर बनवाते हैं जिसमें वो खाली सॉफ्टवेयर या थीम्स वगैरह या मतलब है जिनकी कोई फिज़िकली वो नहीं होती वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर वो आप इस ऑप्शन को हटा देंगे कि हमारे पास फिजिकली नहीं है। अगर आपके पास फिजिकली प्रोडक्ट है तो आप फिर फिजिकली भी करेंगे कि हमारे पास फिजिकली प्रोडक्ट है, आगे नीचे मजीद आप उसका वेट ऐड करेंगे आपके पास कितना वेट है। अगर इसका मैं कर देता हूँ 1 kg तो ये 1 होगा। नेक्स्ट आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ ये चीज़ कहाँ पर मैनुफेक्चर हो रही है, कहाँ पर बन रही है, तो ऑफकोर्स पाकिस्तान है तो
पाकिस्तान आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आप किसी और कंट्री में तो आप किसी और कंट्री में ही करेंगे। इस आपको ये ऑप्शन कंट्री ऑफ ओरिजिन आपने करना है, ये वाला जो ऑप्शन है ये कोडिंग के लिए होता है, ये इसको आपने यूज नहीं करना। आई हैव अ क्वेश्चन। हेलो, ओके ओके, द क्वेश्चन इज व्हेन वी आर सिलेक्टिंग दिस कंट्री ऑफ ओरिजिन देन अकॉर्डिंग टू दिस कंट्री आवर करेंसी साइन विल बी चेंज्ड, राइट? राइट, इफ यू आर as it is if you are in like if you are in India then you will select India and this product. अगर आप ये समझते हैं कि आपकी product आप China से buy कर रहे हैं तो आप उसको China कर सकते हैं, country of origin के ये चीज़ कहें China में है तो फिर आप China भी कर सकते हैं, क्योंकि many customers आपको जब आपको customer client आपका आएगा आपको बताएगा कि मेरा ये store बनाना है तो वो ज़ाहिर बात है वो बाहर का country होगा, वो customer होगा तो फिर आपने उसका country यहाँ पर select करना है, तो जो कंट्री वो कहेगा। एज फॉर एग्जांपल मैं किसी यूएसए के क्लाइंट के लिए स्टोर बना रहा हूँ, सो तब मैं जब कंट्री जब यूएसए दूंगा तो अब मेरा करेंसी डॉलर हो जाएगा क्या? यस बिल्कुल, आप करेंसी बाद में आपको प्राइसिंग लिस्ट कैसे करना है वो मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपका प्रोडक्ट कोई ऐसा है कि उसके वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं कि लाइक उसका साइज भी है कलर भी है तो उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस अगर हैं तो फिर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, वेरिएंट्स को सिलेक्ट करना है, लाइक साइज़ है तो आपने इस साइज़ को कॉमा से मतलब सेपरेट करना है कि आपके पास अगर पिशावरी चप्पल मैंने मेंशन की है तो पिशावरी चप्पल में आपके पास 6 का साइज़ है, आप इंटर करेंगे फिर 7 करेंगे फिर इंटर 8 इंटर 9 इंटर, इस तरह मतलब आप उसके साइज़ डिफाइन करेंगे। अगर आपके पास और ऑप्शंस भी हैं लाइक कलर है तो आप कलर्स को भी बताएंगे कि हमारे पास ब्राउन कलर भी है कॉमा करके फिर कॉमा ऐड करेंगे फिर ब्लैक है फिर ब्राउन सॉरी मस्टर्ड है, इस तरह आप मतलब है उसको मेंशन करते रहोगे जितने कलर्स हैं आप उस प्रोडक्ट के आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा अगर कोई और उसका है वेरिएंट मटेरियल है आपके पास कितने मटेरियल का ये प्रोडक्ट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ बेसिकली उसके लिए होती है। तो यहाँ पे नीचे उसने कंप्लीट आपको डिटेल्स दे दी है, फिर यहाँ पे आपको फिर वो मैन वन बाय वन करना पड़ेगा कि आपके पास इसकी कितनी कितनी क्वांटिटी है, आपको 100 करना पड़ेगा इसको, लाइक ये मैं जैसे कर रहा हूँ तो आप इसको 100 करेंगे तो इस तरह आपकी एक मतलब ये यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो गई प्रोडक्ट। उसके बाद ये सर्च इंजन लिस्टिंग प्रीव्यू है, इसके लिए आप सपोज करो SEO के लिए काम करना चाहते हो, आपने टाइटल हमेशा वो रखना है टाइटल जो गूगल में ज़्यादा सर्च होता हो, आपके पास पिशावरी चप्पल है सपोज करें प्रोडक्ट तो आप गूगल में जाके सर्च करें कि पिशावरी चप्पल का मतलब है कौन सा टाइटल ज़्यादा सर्च हो रहा है तो आप वो यहाँ से ऐड करेंगे, तो टाइटल हमेशा चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि SEO में हमारा टाइटल चेंज हो, आप SEO में भी आप SEO को करना चाहते हैं कि सर्च इंजन में ज़्यादा आए तो फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं, आप एंड पे पिशावरी चप्पल लाइक मैं कर देता हूँ पिशावरी चप्पल ऑनलाइन तो ये चीज़ टाइटल में शो नहीं होगी लेकिन SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शो होगी, कोई भी बंदा जब सर्च करेगा पिशावरी चप्पल ऑनलाइन तो वो फिर उसका आपका भी कहीं ना कहीं वो अगर रैंकिंग अच्छी हुई तो वो सामने शो होगा। तो उसके बाद हमें इसकी डिटेल्स भी लिखनी पड़ेगी, जैसे मैंने ऊपर इसकी प्रोडक्ट की लिखी है तो SEO के लिए भी आप यहाँ से उसकी डिटेल्स लिख सकते हैं कि सर्च इंजन में आए तो उसके लिए कौन कौन से, आप यहाँ से काफ़ी और मतलब ब्रीफली उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास URL में भी चेंज हो जाएगी, जो ही हम ऊपर ऐड करेंगे तो ये यहाँ तक हमारा URL है और यहाँ से हमारा उस टाइटल आएगा, आप यहाँ से भी टाइटल को अगर आप कहते हैं कि पिशावरी चप्पल ऑनलाइन इन पाकिस्तान तो ये अब SEO की मतलब अगर SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चीज़ सबसे बेस्ट होती है, आपकी रैंकिंग में आएगी, आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग में आने के लिए आप मतलब यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के टाइटल को, टाइटल मेन हमेशा वही रहेगा जो आप ऊपर डिफाइन करेंगे लेकिन SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ से ये मैंने इसको नहीं छेड़ना, ये सेम एज इट इज़ रहने देना है। आगे ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले प्रोडक्ट टाइप आपने बतानी है, मैंने पिशावरी चप्पल किया है तो उसको मैं पिशावरी चप्पल ही एज इट इज़ करूँगा। आगे वेंडर बताना है कि किस कंपनी से है, इसका वेंडर कौन है,
लाइक मैंने ये एलराज किया हुआ है तो आप कोई भी कर सकते हैं यहाँ पे, आप कोई भी नाम अपनी कंपनी का या वो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, मेरी ये कंपनी है, मेरा ये वेंडर है, तो आपने ये ऐड करना है, तो फिर आप वेंडर को वो ऐड करेंगे। नीचे एक कलेक्शन है, ये मैं आपको मजीद आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कलेक्शन लिस्ट कैसे बनती है, कलेक्शन कैसे बनानी है। तो यहाँ से फिर वो आप कलेक्शन ऐड करते हैं कि आपने जितनी कलेक्शन बनाई होती हैं, मैंने 3 ही बनाई हुई हैं, मैं आपको मजीद बताऊँगा कैसे बनाते हैं। तो वो फिर आपने वहाँ पे, अगर आपने ये प्रोडक्ट होम पेज पे ऐड करनी है तो आप होम पेज को ऐड करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये आपके होम पेज पे जाके ऐड हो जाएगी। अगर आपने कलेक्शन लिस्ट बनाई हुई है पेशावरी चप्पल के नाम से तो ये प्रोडक्ट पेशावरी चप्पल वाले फोल्डर में चली जाएगी और वहाँ पर शो होगी। मजीद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको समझाऊंगा डिटेल में। नीचे आगे टैग आगे एक क्वेश्चन है। जी जी पूछे। मेरा क्वेश्चन है कि जब ये जो SEO इंजन में हम जो देंगे URL, ठीक है, वो हमको तो बायर ही हमको देगा ना? नहीं बायर नहीं, वो SEO की पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा कि अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है पेशावरी चप्पल ऑनलाइन, तो फिर आपका कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने भी ऑनलाइन साथ मेंशन किया हुआ है SEO के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपका भी किसी न किसी पेज पे आपका भी शो हो जाएगा। उसका मकसद ये होता है वो आपके टाइटल को नहीं, मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपका टाइटल सेम वही रहेगा जो आप जो आपने ऊपर डिफाइन किया होगा। आगे मजीद ये टैग्स हैं, आपने टैग्स कोई भी लगा सकते हैं जो गूगल में सर्च होने वाले हैं, मैंने काफ़ी यहाँ पे लिखे हुए हैं, लाइक कप्तान है, आप काफ़ी टैग्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम जब क्लाइंट के लिए कोई काम वर्क करेंगे तो तब हमारा जो वो जो SEO है वो कि हमें सब वो आप SEO हम आप नहीं आपको क्लाइंट कोई आपको क्लाइंट कोई प्रोडक्ट कोई हायर करेगा। जी जी बिल्कुल, आपको क्लाइंट कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप उसने ऐड करना है, जब आप ऐड करेंगे उस प्रोडक्ट को, जैसे अभी मैंने ऐड किया, आप एज इट इज उसकी सारी आपको डिटेल्स क्लाइंट देगा, इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, इसका वेंडर ये है, इसको यहाँ पे आपने सेट करना है, इसको यहाँ पे करना है, वो आपको क्लाइंट सारी डिटेल्स दे देगा। समटाइम क्लाइंट ऐसा होता है उसको मतलब कुछ पता ही नहीं होता, फिर आपने अपने सेंस में पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैनेज करके देना है अट्रैक्शन, ताकि उसका क्रिएटिव सा और उसको अच्छा लगे। ताके वो सर्च इंजन में भी आए थोड़ा बिल्कुल थोड़ा। जी बिल्कुल सर, अगर आप कोई क्लाइंट ऐसा है वो आपको कहता है मैंने SEO करवानी है, तो फिर आपको ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा। आप SEO के लिए और भी बहुत से प्लेटफॉर्म होते हैं, वो मजीद मैं आपको आगे एलैबोरेट करूंगा। तो इस तरह यहाँ से टैग्स वगैरह किए, आगे आप सेव करेंगे, एक मिनट, मटीरियल, सॉरी हमने मटीरियल ऐड नहीं किया यहाँ पे, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो उसके बाद सेव करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट सेव हो जाएगी। अभी हमारा सेशन ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, आई थिंक सो, टाइम कम है ये। अब हम इसको प्रीव्यू करते हैं कि जहाँ से मैंने ऐड किया, ये अब प्रीव्यू किया कि ये हमारा कैसे शो होगा। ये देखें, ये मैंने ऐड किया, आप देख रहे हैं ये अलरियाज वेंडर आ गया, पेशावरी चप्पल, ये कंपेयर एट प्राइस, सारी डिटेल्स आ गई, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, सारी डिटेल्स आ गई हैं कम्प्लीट। आप मजीद यहाँ पे आप और पिक्चर्स अगर ऐड करते हैं वो मजीद और भी आ जाती हैं। तो ऐड टू कार्ट करेंगे तो वो आपके कार्ट में चली जाएंगी क्वांटिटी, आप कस्टमर का क्लाइंट सेलेक्ट करेगा कितने वो परचेज करना चाह रहा है। मजीद ये आपको लिंक, क्या मैं इस डिजाइन को कस्टमाइज कर सकता है, इस डिजाइन को, इस कलर को? बिल्कुल बिल्कुल, आप सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं, वो मजीद आने वाली क्लासेस में आपको सिखाऊंगा तो आप इसको कैसे कस्टमाइज करते हैं। जहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, आप ट्राई करें कि आप इसको क्रिएट करें, कल प्रोडक्ट्स भी ऐड करें, मज़ीद आगे मैं आपको बताता जाऊंगा। जहाँ तक आप थोड़ा बहुत इसकी प्रैक्टिस करें और अपना काम गूगल में शेयर कर दिया करें, गूगल क्लासरूम में, तो आपने जो काम किया होगा उसका लिंक वहाँ पे है। बेसिकली ये जो ट्रायल बेस होता है, ये जस्ट मतलब है कि जो भी हम जहाँ पे जो बना रहे हैं ना, ये पब्लिक नहीं हो सकता। इसका मकसद ये होता है कि एक मतलब एक बंदा जस्ट शॉपिफाई सीख रहा है और उस पर वर्किंग कर रहा है। यहाँ पे आपको लॉगिन करवाने का मकसद ये होता है कि आप यहाँ पे आएँ और काम करें, आपकी यहाँ पे जो URL ऊपर, ये जो URL है ये वाली, तो ये आपकी पब्लिक नहीं होती। आपको किसी को सेंड करेंगे तो वो शो नहीं होगी, वो मतलब उसको पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा, जो आपने पासवर्ड स्टार्ट में दिया होगा जब आप साइन अप करेंगे आप उसको पासवर्ड। जी जी, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि जब कोई कस्टमर जो है कोई प्रोडक्ट को सर्च करेगा ऑनलाइन, तो SEO का बताया कि पेशावरी चप्पल का आपने बताया, वो जब गूगल में सर्च में आएगा
तो उस ये इसमें शॉपिफाई की एक्सटेंशन होगी लाजमी साथ उसके? नहीं वो फिर आपको नहीं, आपको फिर डोमेन, अगर आपका काम अच्छा जा रहा है, आप सपोज करें आपका स्टोर अच्छा चल रहा है, तो आप डोमेन भी परचेज कर सकते हैं इसी स्टोर की। आप अलरियाज प्रोडक्ट्स जैसे मैंने ये ऐड की हुई है ना, आप डोमेन परचेज करेंगे तो वो माई शॉपी पे, माई शॉपी पे ऐड जाएगा। आप कोई डोमेन परचेज कर लें, मतलब डोमेन $8-10 की तकरीबन $15 तक मिल जाती है, डोमेन अच्छी मिल जाती है। फर्ज किया है बंदा डोमेन परचेज नहीं कर रहा, तो जब वो गूगल पे सर्च करेगा तो फिर वो शॉपिफाई ऑटोमेटिकली उसको वो शो हो जाएगा, शो होगा बिल्कुल जी। अगर आपकी एसईओ अच्छी हुई है, रैंकिंग में आ रही है, तो फिर शो होगा। फिर वो अगर आपकी प्रोडक्ट सेलिंग में जा रही है, आपने फुल फंक्शनल एड करो, वो फुल फंक्शनल स्टोर क्रिएट किया हुआ है, तो फिर उससे ये होगा कि आपको ऑर्डर्स भी आएंगे, आप ऑर्डर्स मैनेज भी कर सकते हैं। 50 ऑर्डर्स आपको फ्री होंगे, आप 50 ऑर्डर्स बिल्कुल फ्री भेजेंगे और डिलीवर करेंगे। मतलब ये हुआ कि एसईओ भी जरूरी है इसमें, ये दोनों चीजें जरूरी है जी। अगर आप खुद काम कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ऐसे जरूरी है, अगर आप अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो फिर वो क्लाइंट की डिपेंड करता है, क्लाइंट आपसे कहाँ तक काम करवाता है। सम क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं मुझे जस्ट स्टोर बना दो, कई कहते हैं एसईओ के मतलब है वो अलग, मतलब एक फील्ड है, वो अलग मतलब है सारा, वो प्लेटफॉर्म है। इंशाल्लाह मैं आपको वो भी एक दफा क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद वर्डप्रेस का भी मैं आपको सिखाऊंगा, और इंशाल्लाह और एसईओ वगैरह का भी मतलब आपको काफ़ी कुछ सिखा दूंगा आपको, मतलब इतना इंशाल्लाह मैं आपको बना दूंगा कि आप ऑनलाइन काम कर सकेंगे, अर्निंग कर सकेंगे। जी जी सर, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है जी जी, को इस वीडियो को जो है आप कल साथ साथ में ना ग्रुप इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं पर शेयर करें साथ साथ, ताकि हम इसको फॉलो करते हुए शॉपिफाई पे क्रिएट कर सकें प्रोडक्ट, हमें काफी प्रैक्टिस हो हमारी। ठीक होगा, मैं इसको उधर अपलोड कर दूंगा ग्रुप में या फिर वो गूगल क्लासरूम में कर दूंगा। वैसे मैं सोच रहा था गूगल क्लासरूम ठीक रहेगा, आई थिंक सो, बिकॉज़ हम उससे डाउनलोड करके हम देख देख के कुछ कर वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। मजीद हो सकता है मैं इसको मतलब है पब्लिकली करने के लिए आगे आगे वाले दिनों में हो सकता है मैं उसको यूट्यूब पे वगैरह पे अपलोड कर दूं, तो आपको वहाँ से भी मिलती है। आप चैनल क्रिएट करें अपना, उस पर भी आप कर सकते हैं, वहाँ पे भी देख सकते हैं जी। बिल्कुल वो भी फैसिलिटी इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा, आप वहाँ से भी देख लेंगे, आपको फायदा होगा। तो मजीद इस यहाँ तक, अगर यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बेशक पूछें, तो नहीं तो यहाँ तक आज का सेशन हमारा एंड हो जाएगा। आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको कल सिखाऊंगा। ये सर वैसे कितने दिनों तक का ये मैक्सिमम कितने डेज का ये कोर्स होगा जिससे हम मतलब के थोड़ा फर्स्ट हो जाएंगे? आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर आपको इतना कुछ आप इतना हो जाएंगे कि आप एक स्टोर क्रिएट कर सकेंगे, और 70-80% आपको कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और आप 70-80% एक अच्छी वेबसाइट और अच्छी मतलब स्टोर क्रिएट कर सकेंगे next week after the completion of this course. It would be great if you could give some ideas about the marketplace so that we can create our gigs and rank also. Yeah, of course I will give you, of course. मैं आपको फाइबर का भी, जिन लोगों को पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता अगर किसी को फाइबर से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए गिग्स वगैरह के रिलेटेड, गिग्स कैसे बनानी है, कैसे अपलोड करनी है, तो मैं उसके भी आपको डिटेल्स बता दूंगा, कैसे किस टाइप की गिग्स बनानी है आपको वो भी बता दूंगा। आगे फिर आपकी जितनी गिग्स अच्छी होंगी उस हिसाब से आपकी वो फाइबर पे रेटिंग अच्छी होगी, आपको ऑर्डर्स भी आएंगे, आप उस मतलब है उस प्लेटफॉर्म पे भी इसके काम कर सकते हैं, और शॉपिफाई का फाइबर पे मार्केटिंग जो है वो इसमें फायदा दे सकती है, डिजिटल मार्केटिंग जो है। बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल इसमें बहुत फ़ायदा देगी, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, आप इसकी सोशल और डिजिटल जो भी आपको मतलब आती है आप उसको में इसको अप्लाई करें, इसके अंदर इम्प्लीमेंट करें, तो हेल्पफुल होगी आपके लिए। चले बहुत शुक्रिया सर आपका, आज का सेशन मेरा ख्याल एंड हो गया है। जी बिल्कुल, यहाँ बस नेक्स्ट इंशाल्लाह कल आपको कलेक्शन लिस्ट वगैरह का बताऊंगा कि कलेक्शन लिस्ट कैसे बनानी है, उसको प्रोडक्ट्स के साथ कैसे मैनेज करना है, तो कल इंशाल्लाह आपको मजीद वो समझूंगा, और सॉरी मंडे को, उसके बाद हम ट्यूसडे या वेडनेसडे से हम उसमें पार्टनर प्रोग्राम पे चले जाएंगे, वहाँ पे ये होगा कि आपके जो स्टोर्स होंगे वो पब्लिकली मतलब शो होंगे, विजिबल होंगे, आप किसी को URL वगैरह भेजते हैं तो वो आपका स्टोर डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। आगे थीम्स कस्टमाइजेशन का आपको बता दूंगा कि थीम को आपने कैसे इंप्लीमेंट करना है। मज़ीद आपको थीम्स बेसिकली पेड होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब है आपको ऑनलाइन परचेज करने पड़ते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ पड़े हैं मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा, पेड थीम पड़े हैं मैं आपको वो फ्रीली शेयर कर दूंगा, और मज़ीद आप उस पर भी उसको भी इम्प्लीमेंट करें अपने स्टोर्स में,
और अपने उसके साथ अपनी प्रोफाइल तैयार करें साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी वन लास्ट क्वेश्चन ये है कि इसका फाइबर पे या आप जो है उस पे क्या स्कोप है शॉपिफाई का, मतलब काफी क्लाइंट्स हैं? बिल्कुल फाइबर पे ऑलमोस्ट आज के पाकिस्तान में ओवरऑल पूरी दुनिया में जो वेबसाइट्स हैं जो शॉपिफाई पे क्रिएट हो रही हैं जो 20 सबसे टॉप पे जा रही है, पहले पे वर्डप्रेस है जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैं। अगर ई कॉमर्स की साइट्स देखें तो उसमें शॉपिफाई पहले पे आ जाती है, तो उसमें 27% ऑलमोस्ट अभी भी वेबसाइट बेस कर रही है या इस पे शॉपिफाई पे, और मज़ीद आने वाले दिनों में जो ये शॉपिफाई ही मतलब है आगे मार्केट में ज़्यादा वो पॉपुलर हो रहा है और इसी पे स्टोर्स वगैरह बन रहे हैं, उसी पे साइट्स वगैरह बन रही हैं ऑनलाइन बिजनेस के लिए। ओके सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए ठीक है, अगर यहाँ तक कोई और मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर आप वो गूगल क्लासरूम बनाने का मकसद यही है कि आप वहाँ पे डिस्कसिंग करें, आपके कोई इश्यूज हैं आप वहाँ पे शेयर करें, तो मैं आपको वक्तन फौरतन आपको वहाँ पे रिप्लाई करता रहूँगा। इस वीडियो को भी वहाँ लिंक अपलोड कर देना तो हम वहाँ से देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं अपलोड करूंगा। आप जो मेरे साथ साथ काम सिखा रहे हैं सर, जी आप जो मेरे साथ साथ काम सिखा रहे हैं तो हम भी आपको इस तरह साथ साथ फॉलो करते रह करेंगे, बाद में जो आप क्लासरूम में अपलोड कर दे करेंगे वीडियो तब ज्यादा आसान है। सही है, ठीक है, चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें, कोई मसला नहीं है, आप जितने ज्यादा बंदे ऐड करेंगे जितने ज्यादा मेंबर्स ऐड करेंगे अच्छी बात है, बेशक कोई मसला नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।